बारे में। तो महाकाव्य में हमारे दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं, एक रामायण है और एक महाभारत। तो रामायण पहले देखते हैं। तो रामायण की रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने, जिसमें जो हमारे चैप्टर होते हैं उन्हें कांड कहा जाता है। तो यहाँ पर 7 कांड हैं। इसमें पहले 12,000 श्लोक थे, अब 24,000 श्लोक हो गए हैं जो अभी रचना की गई है। अब इसके बाद जो महाभारत है, महाभारत की जो रचना की है वेद व्यास ने की है। और इसके जो गाइस वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जीके जस्ट नॉलेज। तो एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमें पढ़ना उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, वेदांग, वेदांत, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत और वेदों का ज्ञान। तो यहाँ पर हम पढ़ना है उपनिषद। तो उपनिषद हमारे कितने हैं? 108 उपनिषद हैं, जिनमें की जो मान्यता प्राप्त है वह 13 ही उपनिषद हैं। तो यहाँ पर हमने जो हमारे इम्पोर्टेंट है, जो पेपरों में आते हैं जिनसे क्वेश्चन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी उपनिषद हमें नहीं पढ़ना है। तो कुछ हमें छोड़ना है, कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है मुंडोपनिषद। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है मुंडोपनिषद। मुंडोपनिषद में क्या दिया हुआ? मुंडोपनिषद में दिया हुआ सत्यमेव जयते, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय वाक है। सत्यमेव जयते वह मुंडोपनिषद से लिया गया है। बृहन्नारायण उपनिषद में क्या है? बृहन्नारायण उपनिषद, बृहत का मतलब होता है बड़ा। तो ये सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद है, जो बृहन्नारायण उपनिषद है। कठोपनिषद, कठोपनिषद में क्या दिया हुआ है? कठोपनिषद में ओम दिया हुआ है, यम और नचिकेता की चर्चा यहाँ पर दी गई है कठोपनिषद में। तो याद कैसे रखना है? आप यहाँ से याद रख सकते हैं कठोप, कठोप से हो जाएगा कठोर, और यम से हो जाएगा यमराज, और नचिकेता, जो यमराज है नचिकेता को ले जा रहे हैं हम लोग। तो जो कठोर है, कौन कठोर है? यम कठोर है। तो यम और नचिकेता की चर्चा कठोपनिषद से मिलती है हमें। और ओम की चर्चा भी यहाँ से मिलती है। ओम का जो महत्व बताया गया है तो कठोपनिषद में बताया गया। जलोपनिषद, जलोपनिषद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो त्रिमूर्ति हैं, तो उनकी चर्चा दी हुई है जलोपनिषद में। और यहाँ पर 4 आश्रमों की चर्चा दी हुई है। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम होते हैं। तो 4 आश्रम की चर्चा यहाँ पर जलोपनिषद में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की चर्चा है। अब देखते हैं जो 5वां उपनिषद है हमारा। 5वां उपनिषद जो नवीन उपनिषद है, यानी नया नया है, अकबर के समय इसे की रचना की गई है अलोपनिषद की। इसके बाद है मनुस्मृति। मनुस्मृति है कानूनी पुस्तक है, जिसमें कि बताया गया है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। मनुस्मृति के हिसाब से विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि 25 वर्ष लड़की की आयु होनी चाहिए, 12 वर्ष लड़की की। तो यहाँ पर इस तरीके से कानून बताया गया, फीमेल और जो शूद्र हैं इनको नीचा दिखाया गया है। और जो विवाह हैं 8 प्रकार के बताए गए, संस्कार हैं जो 16 संस्कार बताया गया है, इसमें आश्रम है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो स्मृति है इसमें पूरी कानूनी व्यवस्था है जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ से हमने जो उपनिषद है हमने देख ली। उपनिषद 108 में से 13 मान्यता प्राप्त हैं। और मुंडोपनिषद में सत्यमेव जयते लिया गया है। बृहन्नारायण बहुत ही बड़ा और प्राचीन है। कठोपनिषद में ओम और नचिकेता, यम की चर्चा दी हुई है। जलोपनिषद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की चर्चा है, त्रिमूर्ति और आश्रम की चर्चा है। यहाँ पर अलोपनिषद नवीन जो उपनिषद है, और मनुस्मृति में कानूनी विवाह और संस्कार की व्यवस्था है, जो संस्कार में 16 वहाँ संस्कार आता है, वह अंतिम संस्कार आता है। तो संस्कार की संख्या टोटल 16 है, तो अंतिम संस्कार जो लास्ट का है। अब देखते हैं पुराण के बारे में, देखते हैं पुराणों के बारे में। तो पुराणों की जो रचना की गई, लोमहर्ष और ऋषि उर्वशी ने रचना की है पुराणों की, जिसमें कि पुराण 18 पुराण है और 18 उपपुराण है। तो जो हमें पढ़ना है तो वो हमें 3 पुराण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो इस जो 3 पुराण हैं इनसे हमें जो प्राचीन राजवंश राज करते रहे हैं उनके समय की जानकारी मिलती है। जो विष्णु पुराण है तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के समय में विष्णु पुराण पढ़ी जाती थी। मत्स्य पुराण है तो यहाँ पर सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और उस समय विष्णु में 10 अवतार हैं जो वह मत्स्य पुराण से मिलते हैं। वायु पुराण है जो गुप्त वंश से जानकारी मिलती है वायु पुराण की। तो इसे जो पुराण है इसे 5वां वेद कहा जाता है पुराण को, और वेदों का वेद कहा जाता है पुराण को। इसमें फीमेल और SC ST की चर्चा नहीं थी पहले।
जो फीमेल हैं, महिलाएं और जो शूद्र लोग हैं, कुरान को नहीं पढ़ सकते थे, वह केवल सुन सकते थे, इस कारण यहाँ पर इनकी चर्चा नहीं थी। तो पांचवा वेद और वेदों का वेद किसे कहा जाता है, तो पुराण को कहा जाता है। तो हमने अभी तक उपनिषद और पुराण देख ली। उपनिषद कितने हैं, 108 में से 13 मान्यता प्राप्त है, और पुराण है जो 18 पुराण है। अब पढ़ते हैं महाकाव्य की तरफ। महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य होता है जो हमारे दो बड़े महाकाव्य हैं, एक रामायण है और एक महाभारत है, दो बड़े महाकाव्य है। तो रामायण की रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने, जिसमें जो हमारे चैप्टर होते हैं उन्हें कांड कहा जाता है। तो यहाँ पर 7 कांड है, इसमें पहले 12,000 श्लोक थे, अब 24,000 श्लोक हो गए हैं जो अभी रचना की गई है। अब इसके बाद जो महाभारत है, महाभारत की जो रचना की है वेद व्यास ने की है, और इसके जो चैप्टर होते हैं उन्हें पर्व कहा जाता है। तो यहाँ पर 18 पर्व है महाभारत में, के अंदर 18 पर्व है। सबसे जो फेमस पर्व है वह भीष्म पर्व है। बाद में 8,800 श्लोक थे, तो श्लोक 8,800 श्लोक से होकर 100,000 श्लोक हो गए हैं। इसी का नाम अभी के टाइम में भगवद गीता के नाम से जाना जाता है, जो भीष्म पर्व होता है। तो वहाँ पर जो भीष्म पर्व की जो कथा है उसे भगवद गीता के नाम से जानते हैं, और इसका पुराना नाम था जो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है कि जो महाभारत का जो पुराना नाम है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जय संहिता था महाभारत का पुराना नाम। यहाँ पर हमने उपनिषद देखा, पुराण देखा और महाकाव्य देखा। अब जानते हैं आरण्यक के बारे में। आरण्यक कौन सी पुस्तक होती है, तो वे सभी पुस्तकें आरण्यक होती हैं जो जाकर जंगल में लिखी गई हैं। तो जो जंगल में लिखी गई हूँ वह सभी आरण्यक पुस्तक होती हैं। तो जिनमें से जितने भी वेद हैं सब आरण्यक हैं, सिर्फ एक वेद है अथर्ववेद जिसे जंगल में नहीं लिखा गया है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा वेद है जो आरण्यक नहीं है, वह अथर्ववेद है जिसे जंगल में नहीं लिखा गया है। तो आरण्यक सभी पुस्तक है जो जंगलों में लिखी गई हैं। अब यहाँ पर देखते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग के बारे में देखेंगे तो इसे वेदों को समझने के लिए इसकी रचना की गई है, वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की जो संख्या, तो वेदांग की संख्या 6 है। तो ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे, यहाँ पर है ब्याजो निसी कच्छ, ब्याजो निसी कच्छ। तो ब्याजो से हो जाएगा व्याकरण, जो से हो जाएगा ज्योतिष, नी से हो जाएगा निरुक्त, सी से हो जाएगा शिक्षा, तो निसी हो गया कच्छ, का से हो जाएगा कल्प, और छा से हो जाएगा छंद। तो हमारे टोटल 6 हैं जिनमें हमने ट्रिक के माध्यम से देखा, ब्याजो निसी कच्छ, ब्याज से व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। तो ये टोटल हमारे 6 वेदांग थे। तो हमने पढ़ा कि ये पूरी डिटेल PDF दी हुई है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, जो इम्पोर्टेंट था तो वो मैंने इस वीडियो के फर्स्ट में ही बता दिया। और यहाँ पर जो आपको रैंडम पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कठोपनिषद में लिखा है यमुना नचिकेता का संविधान है, संवाद दिया हुआ है। यहाँ पर वेदांग के बारे में दिया हुआ है, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, तो सभी के बारे में यहाँ पर वर्णन दिया हुआ है। पुराण जो हमारे 18 पुराण हैं वहाँ पर सभी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। और जो स्मृति सार थे यहाँ पर भी स्मृति सार दिया हुआ है, जिसमें मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमुख स्मृति मानी जाती है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, नारद ग्रंथ, इस सभी स्मृति के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये डिटेल PDF यहाँ पर दी हुई है। तो आप चाहें तो PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करके आप मंगवा सकते हैं। अच्छा, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके बारे में हमने पढ़ा, हमने देखा था उपनिषद के बारे में, वेदांत, आरण्यक, पुराण, महाकाव्य, इन सभी के बारे में पढ़ा। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को एंड तक ही जरूर देखें। तब तक के लिए हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।